हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th, एक्सरसाइज 7.7 का फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर एक्स की पावर 6 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखने की ट्राई करता हूँ कि रूट एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है, 3x स्क्वायर, और ऊपर एक्स स्क्वायर पड़ा है, सिर्फ इसके अंदर 3 नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको अपन t लेके देखते हैं कैसे मैनेज होता है। देखिए एक्स क्यूब को हम t ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx और 3 को अपॉन में लें तो 1/3 और ये dt। बच्चों यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और dx, ये एक्स स्क्वायर और ये dx, ये मिलकर क्या हो गया बेटा, 1/3 dt। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 को आगे लिख लो और यहाँ पर ये dt और 1/√x³ को अपन ने t लिया ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो मेरे को मिलेगा 1/3 तो एज इट इज, लॉग ऑफ यहाँ पर टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब और ये होल स्क्वायर एंड प्लस सी। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास यहाँ पर सेम वैल्यू आती है, टी की वैल्यू रख दीजिए 1/3 लॉग ऑफ, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब प्लस ये टी स्क्वायर है तो एक्स की पावर 6 और ये ए टू दी पावर 6 एंड प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करते समय प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते ही आंसर मिल जाता है। सेकंड पार्ट इसका, इंटीग्रेशन ऑफ √x/√x³ - a³। यहाँ पर ऑब्जर्व करने से दिख रहा है कि भी रूट एक्स ऊपर है और ये एक्स क्यूब है, तो कोई ना कोई आपस में रिलेशन इनका बैठना चाहिए, यानी कि इसको किसी एक पार्ट को टी लेने से काम बन जाना चाहिए। देखते हैं इसको क्या लिखने का प्रोसेस करें, एक्स क्यूब है ना, तो इसमें एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर भी ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स की पावर 3/2 है ना, इसको हम टी ले लेते हैं, लेट एक्स टू दी पावर 3/2 को टी ले लें, एक्स की पावर एन है ना, तो 3/2 आगे आ जाएगा और 3/2 - 1, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं और ये हो जाएगा dt/dx, एक्स की पावर एन वाला एन आगे आ गया, पावर में -1 कर दिया। सिंप्लीफाई करें थोड़ा, 3/2 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 - 1 ओनली 1/2 इज इक्वल्स टू dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स हो गया और ये dx और 2 ऊपर चला जाएगा 3/3 में आ जाएगा और ये dt। यानी अब जो इंटीग्रेशन है उसकी फॉर्म क्या बनी वो देखिए, रूट एक्स और dx ये तो बन गया 2/3 और dt और यहाँ पर 1/√ इसको लिख दीजिए टी स्क्वायर और -a²³ का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² यानी कि लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सेम वैल्यू, ऐसे याद करने में आसानी रहेगी, सेम वैल्यू से याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर हम लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या बना भाई इंटीग्रेशन, ये 2/3 तो कांस्टेंट है, कंटिन्यू बना रहेगा और 1/√x² - a² मीन्स ये हो जाएगा लॉग ऑफ
यहाँ पर t है प्लस ये सेम वैल्यू मीन्स टी स्क्वायर, और इसको तो सिंपली लिख दीजिए ए क्यूब, कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस सी। अब t की वैल्यू हमारे पास पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 3/2 मीन्स 2/3 लॉग ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस टी स्क्वायर है, मीन्स यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस ए क्यूब एंड प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस परफेक्ट फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ये आप ध्यान रखें प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, log x अपॉन x रूट log x की पावर 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि log x की पावर 2 इसको अगर t मान लें तो अपना काम बन जाएगा। डिफरेंशियल करें आप इसका, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशियल ही किया जाता है। x की पावर n लगेगा तो 2 आगे आ जाएगा और पावर में 2 माइनस 1, अब जिसको x माना था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, t का हो जाएगा मेरे पास में dt अपॉन dx। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स ये 2 अपॉन में चला जाएगा, इसको यहाँ लिख लो 1 अपॉन x, log x पावर तो 1 हो गई और dx ये 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2 और ये dt। अब देखो इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या बनी, यहाँ पर 1 अपॉन x और ये dx ये मिलके 1/2 dt बन गया, 1/2 और ये dt। रूट के अंदर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या log x की पावर 4 है और log x की पावर 2 को अपन ने t लिया हुआ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है log x की पावर 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मीन्स इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर और माइनस 1। फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला भाई अभी लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये डी एक्स, मीन्स लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। अब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें अगर, तो ये 1/2 तो कंटिन्यू चल रहा है और लॉग ऑफ यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये सेम वैल्यू एंड प्लस सी, ऐसे याद रख लें इसको सेम वैल्यू। अब आप इसमें टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है भाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर लिखना ना, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की होल पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए। सेकंड पार्ट में देखो, e की पावर x अपॉन रूट e की पावर 2x प्लस 1, इसको देखो लिखने का तरीका इस तरह से कीजिए, यहाँ पर e की पावर 2x है ना, इसको e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्या लग रहा है, a की पावर m इंटू n होता है ना, इसको a की पावर m और होल पावर n इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो अब वापस अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही मिलेगा। अब अपन इसको ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ वो देखो, आप e की पावर x को आप ले लीजिए t और इसका डिफरेंशियल करें तो ex का डिफरेंशियल ex ही होता है और ये dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई ex dx इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों dt आ गया। अब ex और dx ये तो मिल गया मेरे को dt और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसको कर देंगे टी स्क्वायर और प्लस वन, और फॉर्मूला लगा दीजिए लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस सेम वैल्यू है ना, यानी यहाँ टी है तो टी प्लस ये सेम वैल्यू रूट के साथ में, और वापस आप इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या बनेगा ई की पावर एक्स प्लस ये तो टी स्क्वायर है ना, तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ई की पावर 2x आ जाएगा और ये टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 2x और ये प्लस 1 एंड प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x की पावर 4 माइनस 1, यहां पर देखो
लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी कर लो आप इसमें, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 2x, और t का आ जाएगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x dx इक्वल्स टू 1/2 और ये dt। टी मीन्स इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, x और ये dx 1/2 और ये dt। टी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर इसका x पावर 4 है और ये x स्क्वायर को t माना हुआ है, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर और ये -1। अब ये टी स्क्वायर कैसे बना बताऊँ क्या, स्क्वायरिंग बॉस साइड कर लो आप, एक्स बार 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है बहुत अच्छी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, दिस इक्वल्स टू एक्स बाई 2 और ये हमेशा ये सेम वैल्यू आएगी यहाँ पर, और यहाँ माइनस है ना, ध्यान से देखना यहाँ बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस और सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, 1/2 है मेरे पास तो ब्रैकेट मेंटेन कर लें, जहाँ पर एक्स है ना वहाँ, यहाँ पर क्या आ रखा है टी, और ए की जगह आ रखा है 1, यानी कि टी अपॉन 2 और ये सेम वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड लॉग ऑफ यहाँ पर टी प्लस ये सेम वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी बाई 4, और यहाँ टी की वैल्यू भी यहाँ पर रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर, तो आप टी की वैल्यू रखते चलें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 4 माइनस 1। देन थोड़ा और आगे चलते हैं, ये 1/4 लॉग ऑफ टी की जगह कितना लिखना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना है एक्स की पावर 4 और माइनस 1 एंड प्लस सी। बस इसमें बहुत अच्छी बात क्या है, एक तो ऑब्जर्व करना है टी किसको ऐड करें, ऑब्जर्व करने के बाद में ये देखना है कि फॉर्मूला प्रॉपरली लगे, बाकी क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा केयरफुली फॉर्मूला को याद करें और यहाँ पर लगाएं। सेकंड पार्ट 6 का, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स, यहाँ पर लॉग एक्स को हम टी ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। देन ये x 1 अपॉन x में काउंट हो गया और dx मिलके क्या बन गए, दोनों dt बन जाएंगे, और log x को t लिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस 9 है, 9 को आप 3 का स्क्वायर कर लें। यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है अच्छी तरह से याद रख लें, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx। याद कैसे रखना वो देखो ध्यान से, x बाई 2 और ये सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस सेम वैल्यू, ये वाली सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। इस तरह से आप इसको फॉर्मूले को लिख लेंगे और फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा t बाई 2, क्योंकि x जगह कितना है t है, टी बाई 2 और ये सेम वैल्यू मीन्स टी स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दो, प्लस यहाँ पर 9 अपॉन 2 क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो 9 बाई 2 हो जाएगा, और लॉग ऑफ टी प्लस ये सेम वैल्यू मीन्स टी स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू रख दें इसके अंदर, दैट इज लॉग एक्स टी बाई 2 है ना, तो टी की जगह आ जाएगा मेरे पास में log x, और यहाँ 1/2 लिख दो भले, एंड log x होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 log ऑफ t की वैल्यू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड प्लस c, ये इसका आंसर हो गया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें।